अभी हम आ गए पीली कोठी मंदिर। और दोस्तों हम आपको बता दें कि हम यहाँ से अपनी जो परिक्रमा है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहीं से शुरू करेंगे। पंडित जी से मिले थे, वो बोले भी मेन गेट है 1 किलोमीटर है, तो आप कोई ज़रूरी नहीं कहीं से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन जहाँ से शुरू करते हो वहीं पर आपको ख़त्म करनी होती है। तो हेड साउथ देन टर्न लेफ्ट, तो अपनी परिक्रमा यहीं से शुरू करेंगे। और कोई बोल रहे भाई शूज निकालने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही ठंडी का मौसम है तो ऐसे ही कर सकते हो, तो यहीं से शुरू करेंगे, यहीं पर ख़त्म करेंगे, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो हमारी जो परिक्रमा यात्रा हुई यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से हमने परिक्रमा शुरू कर दिया है और 5 किलोमीटर की दोस्तों ये परिक्रमा है। ये दोस्तों 7-7 मार्केट है दूर तक, जैसे जैसे परिक्रमा मारेगा दूर तक मार्केट है। ये रास्ता 5 किलोमीटर के मार्ग में दोस्तों आपको चाय पानी और प्रसाद और भी खेल खिलौने कुछ भी, मतलब दूर तक मार्केट है, कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पर ये देख सकते हो खेल खिलौने, चूड़ियाँ और बच्चों के लिए कपड़े, बैग। अब दोस्तों थोड़ा आपको कामदगिरी पर्वत के बारे में बता देता हूँ और कामनाथ के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों जब भगवान ने 14 साल का वनवास कर रहे थे, यहाँ पर रह रहे थे, तो यहाँ पर दोस्तों जो ये कामदगिरी पर्वत था इनकी पूजा किया करते थे। जैसे भगवान यहाँ से जाने लगे तो अब कामदगिरी पर्वत ने प्रकट होकर तो कहा था भगवान आप चले जाओगे तो आपके बाद मेरी पूजा कौन करेगा, मेरा कोई वजूद नहीं रहेगा। तब भगवान श्री राम ने कहा था भाई जो भी भगत यहाँ पर श्रद्धालु आएगा और यहाँ भी इसकी 5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है दोस्तों, 5 किलोमीटर की जो परिक्रमा करेगा उसकी सारी जो जायज मनोकामना पूरी होंगी। तो कुछ इस प्रकार की हिस्ट्री है और हम कर चुके हैं दोस्तों 1 किलोमीटर के करीब अपनी परिक्रमा और चल रहे हैं आगे। दोस्तों इस पर्वत के चार द्वार हैं, एक पीछे जा लिया, बाकी 3 अभी आने हैं, 3 में हम जाएंगे आपको दर्शन करवाएंगे। बीच बीच में दोस्तों परिक्रमा मार्ग के दर्शन भी करते रहिए। यहाँ पर एक मंदिर आ गया, जय श्री राम। हम अपनी परिक्रमा के दोस्तों जहाँ पर लक्ष्मण पहाड़ी या रोप वे है वहाँ पर आ गए। हम पहले यहाँ से गए थे दोस्तों, फिर हम बाहर की तरफ चले गए थे 1.5 किलोमीटर में, हम मेन गेट से एंट्री करेंगे, मेन गेट से एंट्री करने के बाद दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो दोबारा से हम परिक्रमा करते करते लक्ष्मण पहाड़ी रोप वे जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ पर आ चुके हैं। अभी 1-2 किलोमीटर की और हमारी रह गई है, 1.5 किलोमीटर के करीब करीब। तो ये देख सकते हो लक्ष्मण पहाड़ी और रोप वे इस तरफ है, यहीं से हम गए थे। और दोस्तों आपको बता दूं कि जहाँ से आप परिक्रमा स्टार्ट करोगे वहाँ से लेकर पहाड़ों के चारों तरफ दोस्तों आपको मंदिर, मार्केट और मतलब सब कुछ मिलेगा, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने वाली। और मंदिर जगह जगह मंदिर हैं, जगह जगह दुकानें हैं, चाय पानी हर चीज़ का अरेंजमेंट है। तो आपको अपनी जो 5 किलोमीटर की परिक्रमा है वो करते समय पता भी लगेगा भाई आपने किस टाइम कर दी। थी हम मुखारबिंद पर आ चुके हैं, हम यहाँ से एंट्री है।
और ये कुछ इस प्रकार। चलो एंट्री करते हैं। यहाँ पर भी अंदर एक मंदिर है दोस्तों, और सामने भी जा रहे हैं, हम भी जाकर देख के आते हैं क्या है। भगवान की दया मेरे से दोस्तों, हमने जो हमारी परिक्रमा थी 5 किलोमीटर की वो पूरी कर ली है, और हम अब भगवान से दुआ करते हैं भाई, जो हमारे साथ साथ जो हमारे व्यूअर हैं, जो सच्ची श्रद्धा से भगवान को मानते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं, जायज़ मनोकामनाएं पूरी करें। और हम लेते हैं भाई भगवान से इजाज़त यहाँ से निकलने की, और चलते हैं सीधा धर्मशाला। दोस्तों हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी थोड़ी बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, वीडियो को लाइक भी नहीं करो तो देख लेना, इतना ही बहुत है। धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।